नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस में वैकेंसी 2024 के बारे में, क्योंकि 2578 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते वैकेंसी को रोक दी गई थी और फाइनली दोस्तों इसे शुरू कर दिया गया। लेकिन काफी ज्यादा लोग कमेंट करे कि सर इसको लेकर आवेदन फॉर्म कैसे बनाए, इस पे एक नया वीडियो लेकर आइए। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से इसका आवेदन फॉर्म बनाए, ताकि किसी प्रकार से आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, यानी गलत आप ना भर पाए। तमाम जानकारी बताएंगे आपको, हम जानकारी के लिए बता दें, इसमें बहुत सारे लोग का सवाल ये भी रहता है कि सर हमारे जिले का आवेदन फॉर्म कैसे रहेगा या दूसरे जिले से आते हैं तो उनका अलग रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं, सभी का एक ही आवेदन फॉर्म रहता है। आपको कुछ जानकारी आपको अलग अलग बना है, जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां की जानकारी आपको बस उसमें फिल करना होता है। तो किस तरीके से एक फॉर्म बना है इसमें स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं, और किस तरीके से आपको फॉर्म डाउनलोड भी करना है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को अप्लाई कर दीजिएगा, चैनल नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार से हमें अपडेट वीडियो मिल सके। तो फाइनली दोस्तों इसके बारे में तमाम जानकारी समझने के लिए किस तरीके से आपको अपना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है, किस तरीके से भरना है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी बताएंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा। हम आपको जानकारी के लिए बताते हैं सभी का यानी कि आवेदन फॉर्म सेम ही रहता है, किसी भी जिले से आप आते हैं, कहीं से भी आते हैं, जहां से वैकेंसी है आवेदन फॉर्म सबका एक ही होता है। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले इस वाले वेबसाइट पर आ जाएगा, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और यहाँ पे आपको सर्च करके आपको आ जाना है और यहाँ पे लिखना है बिहार टोला से वैकेंसी 2024, सर्च के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जिस सर्च के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेकेंड वाला जो आर्टिकल ओपन हो रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जिस इस पर क्लिक करेंगे इसमें पूरी जानकारी बताया गया बिहार टोला से वैकेंसी के रिगार्डिंग, डायरेक्ट लिंक हम इस वाले पोस्ट का दे रखे हैं ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़ेगी। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस वाले आर्टिकल पर चलेंगे। अब दोस्तों सीधे हम मुद्दे की बात करते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और किस तरीके से आपको अपने जिले का नोटिफिकेशन चेक करना है। इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं 2578 पदों वैकेंसी निकली हुई, जो कि 10वीं पास रहने वाली, आपके मैट्रिक के अंकों के आधार पर इसमें सिलेक्शन होता है। अगर आपका मैट्रिक में अच्छा खासा नंबर है, आपके पंचायत में आपके वार्ड में वैकेंसी निकली हुई है, आप वहां से आते हैं तो आवेदन जरूर करिएगा। इसका सैलरी 22,000 रुपया होता है और कम से कम आपका उम्र 18 साल होना चाहिए और अधिकतम यानी 45 साल रखा गया है। तो ये जानकारी होगा। अब बात करते हैं दोस्तों किस तरीके से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। नीचे की स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म भरते वक्त और भी डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है, जैसे कि आधार कार्ड का जीरोक्स कॉपी लगेगा, बैंक खाता पासबुक का जीरोक्स कॉपी, मांगे जाने वाले शैक्षणिक दस्तावेज जैसे मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपका लगने वाला है। तो ये तैयार रखिएगा आप। नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा इंपोर्टेंट लिंक, यहाँ से क्विक लिंक का ऑप्शन, यहीं पे देखेंगे तो डायरेक्ट डाउनलोड ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों ये किसी भी कोई भी कैंडिडेट इसमें भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, सभी का एक ही फॉर्म होता है, ऐसा नहीं कि आप अलग जिले से आते हैं तो आपका अलग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता देंगे क्या क्या इसमें जानकारी भर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं, हम एक ले लेते हैं पेन का माध्यम से बताएंगे। ये जो कॉलम जो दिखलाई दे दोस्तों, ये कॉलम आपको भरना नहीं, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि कार्यालय द्वारा भरा जाएगा ये, आपको ये इसमें आपको कुछ जानकारी आपको नहीं भरना है, ठीक है। दूसरा जो बताया गया आवेदक द्वारा भरा जाएगा, ये जो आपको भरना है, सबसे पहले आपको टोला, पंचायत, वार्ड, सॉरी किस जगह से आते हैं, जैसे टोला से आते हैं तो अपना टोला का नाम लिखिएगा, पंचायत का नाम लिखिएगा या वार्ड से नाम लिखिएगा, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा जिस पंचायत वार्ड शहरी के लिए आवेदन दिया जा रहा है उसी का आपको नाम लिखना है। तो इसमें आपको जानकारी भर देना, आप जहां से आते हैं वहां पे आपको लिख देना है। लिखने के बाद नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से आप एक आपको फोटो चिपका लेना है, जो भी आपका फोटो होगा हाल ही में खींचा हुआ फोटो होना चाहिए, नहीं कि पुराना आप लगा देंगे तो आपका चेहरा ही साफ ना दिखलाई दो तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, नया वाला अपना फोटो लगाइएगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना नाम लिख देना, जो भी आपका नाम होगा आप अपना नाम लिख दीजिएगा, पिता का नाम लिख देना है, माता का नाम इसमें लिख देना है, किस जाति से आते हैं आप अपना जाति का नाम लिख देना, जो भी जाति से आते हैं आप, जैसे कि जन्मतिथि क्या है तो दिन माह ईयर आपको, जैसे कि मान लीजिएगा आपका डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1999 तो 21 यहाँ पे लिख दीजिएगा, 03/1999 यहाँ पे लिख देना है, और उम्र की गणना किया जाएगा 1/8/2023 को, इसमें 23 के आधार पर नियमों के आधार पर ये वैकेंसी हो रहा है, तो 1/8/2023 को आपको कितना उम्र हो रहा है इस डेट को आपको लिखा देना है, गुणा भाग आप कर लीजिएगा कि मान लीजिएगा आपका डेट ऑफ बर्थ उतना दिन से लेकर 1/8/2023 से कितने वर्ष हो रहे हैं, तो आपको यहाँ से वर्ष लिख देना है, माह लिख देना है, दिन लिख देना है, यानी कि हमारा डेट ऑफ बर्थ 21/3/1999 है तो हम 1/8/2023 को
कितने वर्ष को रहे, और आपको डेट ऑफ बर्थ आपने निकालना कि आप 1/8/2023 को कितने वर्ष को रहे, तो सबसे पहले बिहार रेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा टूल्स में, और यहीं पे देखेंगे तो एज कैलकुलेटर का ऑप्शन देख लेते हैं, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ सबसे पहले आपको अपना डेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ की जानकारी देना है, जैसे कि मान लीजिए हमारा डेट ऑफ बर्थ है 21 मार्च 1999, जैसे यह हो गया तो हम अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल लेते हैं, चलिए यहाँ से 1999 जो भी जानकारी हम यहाँ से भर देते हैं, अब अपना जानकारी भर दीजिएगा। उसके बाद कितना, तो 1/8/2023 को इसमें नोटिफिकेशन में देखेंगे तो बताएगा कि 1/8/2023 को, यानी कि 2023 के नियमों का आधार हो रहा है, तो 1/8/2023 को कित कैलकुलेटर का ऑप्शन क्लिक करना, देख सकते 24 साल 4 महीने 11 दिन, 24 ईयर 4 मंथ 11 दिन का हो रहा है, तो वही जानकारी आपको लिख देना, तो हमारे केस में 24/4/11 आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद अस्थायी निवास का आपको जानकारी देना है, जैसे यहाँ पे हो गया अस्थायी निवास कहाँ पड़ता है, तो उसका आपका टोला या ग्राम मोहल्ला का इसमें नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है इसमें लिख दीजिएगा। पंचायत और वार्ड शहरी का नाम आपको लिख देना है, नगर निकाय से या प्रखंड से आते हैं तो अपना प्रखंड का नाम लिख लीजिएगा, जैसे कि नगर निकाय से भी आते हैं तो नगर निकाय से भी लिखेंगे, मतलब जहां भी वैकेंसी आई होगी, अगर प्रखंड से आते हैं तो प्रखंड का नाम लिख दें, वहीं पर अगर वार्ड से आते हैं तो वार्ड लिखिएगा, शहरी से आते हैं तो शहरी, या पंचायत से तो पंचायत का नाम लिख देना है, ठीक है, टोला का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जिला का नाम, राज्य का नाम, पिन कोड आपको लग देना है, तो राज्य बिहारी रहेगा यहाँ पे। आधार संख्या आपको यहाँ पे डाल देना, जो भी आपका आधार संख्या यानी 12 अंक का होता है वो डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर एक आपको इसमें दे देना है, जो भी कॉलम खाली है उसमें आपको मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर दे देने के बाद यहाँ से आपको जानकारी आ जाएगा, देख सकते हैं सेंचुरी की योग्यता के आपको जानकारी देते हैं, तो 17 नंबर देखेंगे तो सेंचुरी की योग्यता की जानकारी मांगा गया है, जैसे कि आपको यहाँ से नाम डाल देना है, पिता का नाम डाल देना है, कौन से कैटेगरी से आप आते हैं, आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर इसमें जानकारी दे दीजिएगा, एससी से या एसटी से जो भी आप आते हैं आप इसमें जानकारी दीजिए, महिला हैं या पुरुष हैं, जन्मतिथि आपका जो भी होगा जन्मतिथि, उसके बाद पुटिक में आपका कितना नंबर आया तो उसकी जानकारी आपको भर देना, जैसे कि 200 नंबर 300 नंबर, तो वो आपको जानकारी भर देना है। उसके बाद प्रतिशत कितना था, अगर आपका अनुभव अंक इसमें आपको छोड़ देना है, ये भी आपको इसमें भी छोड़ देना है, ये आपको जो भी जहाँ पे जमा करेंगे वहाँ पे आपको पूछकर भर सकते हैं, यहाँ पे जो भी प्रतिशत आपको जो जानकारी होगा इसमें आपको भर दीजिए, बाकी ये तीन जो कॉलम है इसे आपको छोड़ देना है, इसे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें अनुभव अंक मांग गया तो अनुभव आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते, ये विभाग डिसाइड करेगा। मान लीजिए कि आपके 1 साल कहीं पे काम किए किस सरकारी संस्था में, तो उसमें आपको 6 नंबर मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा, कितना नंबर मिलेगा, तो ये विभाग काम करेगा। योग में देखेंगे तो 9+10 देख लेते, इसे छोड़ देना है, अभिव्यक्ति में आपको छोड़ देना है, ये आपको जानकारी नहीं भरना, बस प्रतिशत तक आपको जानकारी भर देना है। आप जहाँ पे जमा करेंगे वहाँ भी आपको पूछ लीजिएगा सर यहाँ पे आपको क्या मतलब भरना है, तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा सही तरीके से कि हाँ यहाँ पे ये जानकारी भरना, तो आप यहाँ से भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना स्थान नाम जानकारी भर देना, जैसे कि आपका स्थान नाम के दिनांक, ये उस दिन भरिएगा जिस दिन आप जमा करें, जो कि देखते घुसड़ा आप ले रहे हैं, जैसे कि मेरे जानकारी और विश्वास में उपयुक्त सूचनाएं सत्य है, असत्य पाए जाने पर मेरा चयन रद्द कर मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, मतलब आप ये घोषणा ले रहे हैं, तो जो भी आप जानकारी देंगे सही तरीके से देंगे, तो यहाँ पर आप स्थान लिख दीजिएगा, दिनांक लिख दीजिए, आवेदक का पूरा नाम, सिग्नेचर आपको लिख देना है। उसके बाद इसके साथ जो भी आपको जीरोक्स देना है, जैसे कि आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज का यानी जीरोक्स कॉपी यानी छाया प्रति संलग्न करना है, तो आपको मैट्रिक का जो भी योग्यता का प्रमाण पत्र देना है, दो में बताएगा आवासीय प्रमाण पत्र और कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र, अनुभव का अवधि वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र, इतना सारा चीज आपको देना है। उसके बाद ये जो चीज़ है वो आपको काट कर दिया जाएगा, वहाँ पे जहाँ पे जमा करेंगे वहाँ पे एक रसीद मिलेगा, प्राप्ति रसीद, जिसमें आपको वही जानकारी भरा जाएगा, जो कि देख सकते हैं जो भी आपका नाम होगा, पिता पति के नाम, टोला महला, पंचायत वार्ड शहरी जिला, आवेदन पत्र, टोला सेवक शिक्षा सेवक का नियोजन हेतु यहाँ पे लिख दिया जाएगा, दिनांक के प्राप्त उन्होंने वार्ड शहरी के नाम लिख दिया, यानी मतलब ये जो भी प्राप्त करता होंगे यानी कि जो भी आपका प्रधानाध्यापक होंगे शिक्षक यहाँ पे आप जमा करेंगे वो आपको ये इतना दूर जो कट कर कर देंगे आपको ये प्राप्ति रसीद हो गया है, आपको अपने मतलब आप वही देंगे आपको, तो ये ले लेना है। तो इसी तरीके से तो आपको फॉर्म भरना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। आपको किसी प्रकार का दिक्कत हुई तो कमेंट जरूर करिएगा। अब आपको अपने जिला का नोटिफिकेशन चेक करना है तो फिर से उसी वाले वेबसाइट पर आ जाएगा, और अपने NIC जो भी पोर्टल है जिसमें हम बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि किस तरीके से आपको चेक करना है, तो आप जाकर अपना चेक कर सकते हैं, जिसमें आप हमने पूरी प्रकार तरीके से बताए इस वाले वेबसाइट का लिंक के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार के माध्यम से, तो आप अपने जिले के देख सकते हैं, जैसे पूर्वी चंपारण जिले के हाल ही में नोटिफिकेशन आया है, जो कि जहाँ जहाँ वैकेंसी आई है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे 23 को नोटिफिकेशन आया था, जो कि इसमें डेट वगैरह बता दिया गया है कि कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं और कहां कहां वैकेंसी है, जो कि इसमें भी बता दिया गया है, तो अगर आप यहां से आते हैं तो आवेदन जरूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।